बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद नुसरत जहां अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी बोल्ड तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर आग लगाती रहती हैं। नुसरत ने अब फिर से अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें नुसरत संडे के दिन डे आउटिंग पर निकली हैं। इसमें वो रेस्तरा में ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आ रही हैं। फोटोज में नुसरत हाथ में नींबू पानी लिए कैमरे के लिए पोज दे रही हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ध्यान उनकी खूबसूरती ने नहीं बल्कि उनके टैटू ने खींचा है, क्योंकि एक्ट्रेस ने टैटू बनवाया ही ऐसी जगह कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। एक्ट्रेस ने हॉलीडे के दिन बेहद ही प्यारी ड्रेस पहनी है जो लाइट पिंक कलर की है और ऑफ शोल्डर है। नुसरत का ये ऑफ शोल्डर ड्रेस इतना डीप नेक है कि उनका टैटू साफ देखा जा सकता है, जिस पर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा है। खुले बाल और गोल्ड का नेकलेस पहने नुसरत स्माइल कर रही हैं और परफेक्ट सनलाइट में गॉर्जियस लग रही हैं। इस पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ ने तो उन्हें सलाह भी दे दी। सोशल मीडिया पर लोग नुसरत जहां को सलाह दे रहे हैं कि वो एमपी हैं और उन पर ये सब शोभा नहीं देता है और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक पब्लिक फिगर भी हैं। उनकी तस्वीरों को 4,500 लाइक्स मिल चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नुसरत ने आखिर टैटू में लिखवाया क्या हुआ है, तो आइए इस बारे में भी जान लीजिए। 5 तस्वीरों की सीरीज में गोल्डन आर में अलग अलग पोज दे रही नुसरत की हर फोटो में टैटू दिख रहा है। नजदीक से देखा जाए तो नुसरत जहां ने अपनी ब्रेस्ट के ऊपर विक्ट्री लिखवाया है, जो कर्सिव राइटिंग में टैटू की तरह गूदा गया है। आपको बता दें कि नुसरत फिलहाल वेकेशन पर हैं और कुछ दिनों से उसी छुट्टी की तस्वीरें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रही हैं। कुछ समय पहले नुसरत ने गुलाबी और नीली रंग की बिकिनी में तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिनमें वो अपनी टॉन्ट बॉडी शो ऑफ कर रही थीं। एक्ट्रेस नुसरत जहां सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम पेज पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। नुसरत अपने इंस्टाग्राम पर बेहद बोल्ड और हॉट तस्वीरें और वीडियोस शेयर करती रहती हैं, जिनको उनके फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।